हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा था रेजिडेंशियल स्टेटस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। तो उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था इंडिविजुअल का, फिर हमने पढ़ा HUF का, फिर हमने पढ़ा फर्म एंड AOP का। तो लास्ट क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम करते हैं आगे इसको कंटिन्यू। आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है। आज हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। तो देखिए, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, दो बातें हैं यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। या तो वो कंपनी क्या होगी, इंडियन कंपनी, ठीक है, या फिर वो कंपनी क्या होगी, फॉरेन कंपनी, ठीक है। या तो कोई कंपनी क्या रह जाएगी, इंडियन कंपनी, या फिर वो कंपनी हो जाएगी फॉरेन कंपनी। अब हम ये कैसे पता करें कि कंपनी इंडियन है या फॉरेन है, ठीक है। तो ये पता करने के हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए हम ले लेते हैं किसको, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को, ठीक है। मैनेजमेंट और कंट्रोल की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल फुली है इंडिया के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, इंडिया के अंदर, किसी भी कंपनी का अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के अंदर रहता है, तो चाहे वो इंडियन कंपनी हो या चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, दोनों की दोनों इंडिया के अंदर क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, इंडियन कंपनी तो वो है जो इंडिया के अंदर बनी है, ठीक है, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो है उसका गठन, वो इंडिया के अंदर हुआ है, वो इंडियन कंपनी है। और जो फॉरेन में बनी है, फॉरेन की कंपनी है, फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, तो वो क्या हो जाता है, हमारी फॉरेन कंपनी हो जाती है, ठीक है। ये कंपनी जो है वो दो तरह की हो सकती है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा कहाँ हो, इंडिया के अंदर, चाहे फिर वो इंडियन कंपनी हो चाहे फिर वो फॉरेन कंपनी हो, जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के अंदर है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा का पूरा क्या हो, इंडिया के बाहर हो, ठीक है, होली आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरा का पूरा इंडिया के बाहर हो, तो देखिए इंडियन कंपनी है ना, वो तो रेजिडेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिया में बनी है, ठीक है, इंडियन उसका क्या है, इंडिया में उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इंडिया के कंपनी एक्ट के अंदर बनी है, तो वो तो इंडिया में क्या रहेगी, रेजिडेंट, चाहे उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ रह जाए, बाहर रह जाए, भारत के बाहर रहे, ठीक है। फिर बात करें फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी बनी भी फॉरेन में है और उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल भी कहाँ हो रहा है भाई, फॉरेन में हो रहा है, तब फिर वो क्या हो जाती है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हो जाती है। बात समझ में आ रही है मैटर की। फिर बात करते हैं इसके मैनेजमेंट और कंट्रोल की, जब वो पार्शली इन इंडिया हो और पार्शली आउटसाइड इंडिया हो, ठीक है, जब उसका आधा मैनेजमेंट और कंट्रोल तो इंडिया में हो और आधा इंडिया के बाहर हो, तो भाई इंडियन कंपनी तो हर कंडीशन में रेजिडेंट ही रहती है, ठीक है, चाहे उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के अंदर हो या इंडिया के अंदर ना हो, तो हर कंडीशन में वो कंपनी क्या कहलाती है, रेजिडेंट ही कहलाती है। लेकिन हम बात करें फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी का जब मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के बाहर हो जाता है, तो वो कंपनी इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बस ये मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात ध्यान रखनी है, क्यों, इंडियन कंपनी होगी जो इंडिया के अंदर बनी होगी और फॉरेन कंपनी जो फॉरेन के अंदर बनी होगी। अब देखिए, इंडियन कंपनी तो चाहे कोई भी कंडीशन क्यों नहीं हो जाए, वो रेजिडेंट ही रहेगी, ठीक है, चाहे उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया में हो, ठीक है, पूरा का पूरा अगर इंडिया से बाहर हो या फिर आधा इंडिया में और आधा इंडिया से बाहर हो। लेकिन फॉरेन कंपनी की बात करें, तो जब उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा इंडिया के अंदर होता है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा भी पार्ट या पूरा का पूरा इंडिया से बाहर हो, तो वो क्या हो जाती है, नॉन रेजिडेंट हो जाती है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। अब एक नोट और है, नोट आपके लिए क्या है, देखिए नोट आपको क्या ध्यान में रखना है, नोट आपको ध्यान रखना है, कंपनी कैन नेवर रिगार्डेड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती, जिसे हम कहते हैं असाधारण निवासी, ठीक है, असाधारण निवासी नहीं हो सकती, कौन,
कंपनी। तो कंपनी या तो क्या हो सकती है, निवासी, या फिर क्या हो सकती है, अनिवासी। या तो वो इंडिया में रेजिडेंट है या फिर वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब हम बात करते हैं आगे, आगे अब बात करते हैं इनकम की। ठीक है, आगे हम नेचर ऑफ इनकम की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता था, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक तो वो डिपेंड किस पे करता, एक तो वो डिपेंड करता है किस पे, एक तो करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, इसमें होगा हमारे पास में चार्ट, अभी हम देख लेते हैं। ये रहा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, डिपेंड करता है दो चीज़ पे, एक तो हो जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस, एक आ जाता है हमारा नेचर ऑफ इनकम। ठीक है, ये दोनों बातें आ रही थी। अब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस सबका पढ़ लिया, सबका मतलब किस किस का, इंडिविजुअल का पढ़ा हमने। ठीक है, फिर हमने HUF का पढ़ा, फिर हमने फर्म का पढ़ा, फिर हमने AOP का भी पढ़ा, फर्म और AOP का साथ में पढ़ा, फिर हमने कंपनी का पढ़ा, सबका पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ इनकम की। नेचर ऑफ इनकम के अंदर बात करेंगे, ये रहा नेचर ऑफ इनकम। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। अगर नेचर के बेस पे देखा जाए ना तो यहाँ पे दो प्रकार की इनकम है। ठीक है, दो टाइप की इनकम है, कौन कौन सी, एक तो आ जाती है भाई अपने इंडियन इनकम, एक तो आ जाती है इंडियन इनकम, एक आ जाती है फॉरेन इनकम। अब देखिए इंडियन इनकम कब कहलाती है। ठीक है, कब हम किसी इनकम को क्या कहते हैं, इंडियन इनकम कहते हैं, ये बात आपको अभी यहाँ पे पता चलेगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे हम आगे उसके बारे में पूरा देखेंगे। एक तो होती है भाई भारतीय आय, यहाँ पे आप लिख दीजिए भारतीय आय, और एक होती है हमारी विदेशी आय जो हमें विदेशों से मिलती है। ये दो बातें यहाँ पे आपके सामने आ जाती है। अब देखते हैं हम इंडियन इनकम के बारे में पूरा का पूरा, हम डिस्क्रिप्शन इसी के बारे में देखेंगे। देखिए इंडियन इनकम के बारे में क्या बोल रहे हैं, इफ एनी इनकम, अगर कोई इनकम या तो क्या हो रही है प्राप्त, या तो प्राप्त हो रही है, ठीक है, या फिर क्या हो रही है वो अर्जित या उपार्जित, इसको हिंदी में बोलते हैं उपार्जित, या तो वो रिसीव्ड हो रही है या फिर वो क्या हो रही है उपार्जित हो रही है, अराइज हो रही है, ठीक है, अक्रूड हो रही है, किसके अंदर, इंडिया के अंदर, किसके अंदर होती है, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो इनकम क्या कहलाती है, इंडियन इनकम कहलाती है। ठीक है, देन दिस इनकम इज नो एज अ इंडियन इनकम। बात समझ में आई आपको कैसे, अगर कोई इनकम, ठीक है, अगर कोई इनकम क्या होती है, रिसीव्ड होती है, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, या फिर क्या होती है, अक्रूड होती है, उपार्जित होती है इंडिया के अंदर। देखो या तो वो हमें क्या होगी, रिसीव होगी, इंडिया के अंदर कैश में मिलेगी, या फिर वो अक्रूड होगी। अक्रूड होगी का मतलब क्या होगा, अक्रूड होगी का मतलब होगा कि भाई वो इंडिया के अंदर उपार्जित, मतलब उपार्जित हो रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर उत्पन्न हो रही है इनकम वो इंडिया से। तो ये दोनों बातें अगर किसी इनकम के अंदर होती है, या तो वो प्राप्त हो रही है या फिर अर्जित हो रही है। कई बार कोई इनकम ऐसी होती है जो प्राप्त भी इंडिया के अंदर ही होती है और अर्जित भी इंडिया के अंदर ही होती है, ठीक है, उपार्जित भी। तो दोनों बातें जो है, दोनों बातें अगर किसी इनकम में होती है तो वो इनकम भी इंडियन इनकम कहलाती है, या फिर कोई इनकम रिसीव हो रही है या फिर अक्रूड हो रही है तो भी वो इनकम इंडियन इनकम कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कोई भी इनकम इंडियन इनकम कब कहलाएगी, ये बात भी यहाँ पे मैंने वापस आपको बताई है। अगर कोई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो, ठीक है, भारत में प्राप्त हो, यहाँ पे मैं वापस लिख देती हूँ, भारत में प्राप्त हो रही हो, अगर कोई इनकम भारत के अंदर प्राप्त हो रही हो या फिर भारत के अंदर क्या हो रही हो, अर्जित हो रही हो, अर्जित उपार्जित, ठीक है, एक मिनट, भारत में अर्जित, ये बात आपके देखनी है। ठीक है,
अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त हो रही हो, पहली नंबर बात, अगर कोई इनकम भारत के अंदर अर्जित हो रही हो, ठीक है, ये अर्जित का मतलब है ना अराइज होना है, अर्जित का मतलब क्या होता है, उपार्जित होना है, ठीक है, उत्पन्न होना है, ठीक है, इसको उत्पन्न होना कहते हैं, उत्पन्न होना, भारत में उत्पन्न होती है, ऐसा हो, या फिर वो रिसीव भी इंडिया के अंदर हो और अक्रूड भी किस में हो, इंडिया में हो, ठीक है, रिसीव्ड एंड अक्रूड इन इंडिया, अगर ये दोनों बातें साथ में हो तो भी वो भारतीय आय कहलाएगी, या फिर वो सिर्फ भारत में प्राप्त हुई हो तो भी भारतीय आय कहलाएगी, या फिर वो भारत में उपार्जित हुई हो, अर्जित हुई हो या उत्पन्न हुई हो तो वो आय भी इंडियन इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका था इंडियन इनकम कौन सी है, ठीक है, सीधी सी बात है, इफ़ एनी इनकम रिसीव्ड और अक्रूड इन इंडिया, दिस इनकम नो एज इंडियन इनकम, ठीक है, तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे, इंडियन इनकम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने और आपको पॉइंट में बता दिया है, रिसीव्ड इन इंडिया हो या फिर अक्रूड इन इंडिया हो या फिर रिसीव्ड और अक्रूड बोथ इन इंडिया हो, ठीक है, बात क्लियर हुई, तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। अब हम बात करते हैं फॉरेन इनकम की, फॉरेन इनकम की क्या बात आती है कि अगर कोई इनकम, ठीक है, अगर कोई इनकम अक्रूड भी कहाँ हो और रिसीव्ड भी कहाँ हो, बोथ, ठीक है, अगर कोई इनकम अक्रूड और रिसीव्ड बोथ, बोथ कहाँ पे हो, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, दोनों की दोनों, रिसीव भी कहाँ हो, इंडिया के बाहर हो, और अक्रूड भी कहाँ हो, इंडिया के बाहर हो, तो उस इनकम को हम क्या कहेंगे, फॉरेन इनकम, ठीक है, उसे हम कहेंगे विदेशी आय, उसे हम कहेंगे विदेशी आय, ठीक है। यदि कोई आय अर्जित और प्राप्त दोनों ही कहाँ हो, भारत से बाहर हो, ठीक है, अगर कोई इनकम भारत के बाहर ही अर्जित हो और भारत के बाहर ही प्राप्त हो तो उस आय को हम विदेशी आय कहते हैं। इफ़ एनी इनकम अक्रूड और रिसीव्ड बोथ आउटसाइड इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड फॉरेन इनकम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन इनकम कहेंगे, विदेशी आय कहेंगे, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आगे हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर का लगना ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे किस प्रकार से जो है इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है, मतलब टैक्स किस प्रकार से लगता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, अभी अभी हमने जो पढ़ा है इनकम टैक्स में, रेजिडेंशियल स्टेटस में, हमने पढ़ा है कि भाई कोई इंसान क्या हो सकता है, रेजिडेंट, ठीक है, कोई क्या हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और कोई क्या हो सकता है, NRI, नॉट नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ये तीन तरह के हमारे पास क्या हो सकते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे कोई इंसान या कोई टैक्स पेयर्स हो सकते हैं। और टाइप ऑफ इनकम भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इनकम कैसी हो सकती है, फॉरेन इनकम भी हो सकती है और वो भी हो सकती है। अब दोनों को साथ में जोड़ मेल कर हमें क्या निकालना है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स निकालना है कि किस प्रकार से टैक्स हमारे लगता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, यहाँ पे आप तीनों देखिए, ये समझाने के क्राइटेरिया से बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखिए यहाँ पे मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस शो कर दिए है जिसमें रेजिडेंट, NOR और NRI, ठीक है, NOR का मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, ये बात समझ में आती है। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ इनकम शो किए हैं, अब टाइप ऑफ इनकम के बेस पे देखिए, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, अगर कोई इनकम भारत के अंदर प्राप्त होती है, ठीक है, भारत के अंदर क्या होती है, प्राप्त होती है, तो उसके ऊपर तीनों को टैक्स देना होता है, समझ में आता है, तीनों को टैक्स देना होता है, मतलब रेजिडेंट को भी देना होता है, NOR को भी देना होता है और NRI को भी देना होता है, क्योंकि वो क्या हो रही है, इंडिया के अंदर रिसीव्ड हो रही है, ठीक है, इट मीन्स वो इंडियन इनकम हो गई और इंडियन इनकम पे तो भाई तीनों को ही टैक्स देना होगा। फिर बात करते हैं इफ़ एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया, अब सेकेंड बात की रिसीव नहीं हुई है, अब सेकेंड बात क्या की है, अक्रूड हो रही है, क्या हो रही है, अर्जित हो रही है, ठीक है, इसको उपार्जित भी कह सकते हैं, अर्जित भी कह सकते हैं। तो अगर कोई इनकम अर्जित हो रही है, ये अर्जित की बात होती है यहाँ पर, और यहाँ पे बात हुई है हमारे प्राप्त की, बहुत गंदी राइटिंग हो गई है, एक वापस लिखना पड़ेगा, देखो पहली बात तो यहाँ पे किसकी हो गई, ये प्राप्त की बात हो गई थी, ठीक है, और ये अर्जित की बात हो गई है। तो अगर कोई इनकम
इंडिया के अंदर क्या होती है, अर्जित होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी तीनों को टैक्स देना है, तीनों को टैक्स देना है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर एक बात करते हैं और, इफ एनी इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड बोथ इन इंडिया, ठीक है। अगर कोई इनकम रिसीव भी इंडिया के अंदर हुई है और अक्रूड भी कहाँ हुई थी, इंडिया के अंदर ही हुई थी, तो उसके ऊपर तो भाई तीनों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पहले पॉइंट में सिर्फ क्या बात की थी, प्राप्त होने की बात की थी, ठीक है। पहले पॉइंट में सिर्फ किसकी बात की थी हमने, प्राप्त होने की बात की थी। देखो पहले पॉइंट में हमने सिर्फ किसकी बात की, प्राप्त होने की बात की। सेकेंड पॉइंट में जो हमने बात की वो किसकी की, अर्जित होने की बात की, ठीक है। अब बात जो कर रहे हैं ना वो प्राप्त और अर्जित दोनों साथ में इंडिया के अंदर हो, दोनों बात आ रही है यहाँ पे, प्राप्त की भी आ रही है, ठीक है, और अर्जित की भी बात आ रही है, दोनों ही कहाँ हो रही हो, इंडिया के अंदर हो, तो उस इनकम पे भी तीनों को देना हो, ठीक है, तीनों को देना होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इफ एनी इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब देखिए वो रिसीव्ड भी कहाँ हो रही है, इंडिया के बाहर, और अक्रूड भी कहाँ हुई थी, इंडिया के बाहर, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से होता है, इंडिया के अंदर से होता है, ठीक है। उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के अंदर से होता है, जबकि वो इनकम जो है वो रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई थी और प्राप्त भी इंडिया के बाहर हुई थी, ठीक है, मतलब अर्जित भी इंडिया के बाहर हुई थी और रिसीव भी इंडिया के बाहर हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में रेजिडेंट को और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, लेकिन NRI को टैक्स नहीं देना होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आती है, पहली बात मैं देखिए वापस एक बार पॉइंट रिपीट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बात क्या हुई थी, पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला कि सिर्फ इंडिया के अंदर रिसीव्ड होती है तो भी तीनों को टैक्स देना, सिर्फ इंडिया के अंदर क्या होती है, अर्जित होती है या फिर अक्रूड होती है तो भी तीनों को टैक्स देना, और अगर कोई इनकम इंडिया के अंदर ही रिसीव्ड हो रही है और इंडिया के अंदर ही अक्रूड हो रही है तो उस पर भी तीनों को टैक्स देना। अब बात क्या कर रहे हैं, अब पॉइंट नंबर फोर में बात हम कर रहे हैं कि भाई वो इनकम जो है वो रिसीव भी इंडिया के बाहर हो और अक्रूड भी इंडिया के बाहर हो, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो जाता है, इंडिया से हो जाता है, ठीक है, नियंत्रण जो है व्यापार का वो भारत से होता है। तो ऐसी कंडीशन में रेजिडेंट को और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो टैक्स देना है, लेकिन NRI को नहीं देना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एनी इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया। अब ये इनकम भी क्या हो रही है भाई, ये इनकम भी रिसीव्ड और अक्रूड कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया हो रही है ये भी, लेकिन एंड बिजनेस ऑल्सो कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे भी इनकम रिसीव्ड और अक्रूड क्या हो रही है, इंडिया के बाहर हो रही है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, लेकिन इस बिजनेस का कंट्रोल भी कहाँ से हो रहा है, इंडिया के बाहर से हो रहा है, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। देखो इनकम रिसीव्ड और अक्रूड दोनों ही इंडिया के बाहर है और इस बार तो बिजनेस का कंट्रोल भी कहाँ से होता है, इंडिया के बाहर से होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ किसको टैक्स देना होगा, रेजिडेंट को देना होगा, NOR को और NRI को टैक्स नहीं देना है, ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। फिर एक बात और आती है नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इन इंडिया। अगर कोई ऐसी पूर्व की बिना कर लगी कोई आय भारत के अंदर लाई जाती है तो उस पर तो किसी को भी टैक्स नहीं लगना देना है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्व की बिना कर लगी आय जो भारत के अंदर लाई जाती है, ठीक है, पूर्व के बिना कर लगी आय जो भारत के अंदर लाई जाती है उस पर तो कभी भी किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। वैसे भी पिछली जो इनकम होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो उस पे तो किसी को भी टैक्स नहीं देना होता है असेसमेंट ईयर में, ये बात समझ में आई। यहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, अब आपको देखो मेनली जो चीज़ें ध्यान रखनी है उसमें ज़्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है, एक तो आपको रिसीव और अक्रूड ध्यान में रखना है, ठीक है, रिसीव्ड और अक्रूड दोनों में से कोई भी अगर इंडिया के अंदर हो जाता है तो फिर हमेशा इन तीनों को टैक्स देना हो। इसको शॉर्टकट मेथड से हम याद रख सकते हैं कि या तो भाई रिसीव्ड या फिर अक्रूड दोनों में से कोई भी अगर इंडिया के अंदर हो जाता है तो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NRI तीनों को क्या देना होता है, टैक्स देना होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे ये पहले तीन जो पॉइंट है ना
तीनों पॉइंट में एक बार में तो रिसीव हो रहा था, एक बार में इंडिया में अक्रूड हो रहा था, और एक बार इंडिया में रिसीव भी हो रहा था और अक्रूड भी हो रहा था, दोनों बातें हो रही थी। तो इन कंडीशन के अंदर, तीनों कंडीशन के अंदर तीनों को ही टैक्स देना था, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इनकम इंडिया के अंदर या तो सिर्फ रिसीव हो जाती है या फिर अक्रूड हो जाती है या फिर दोनों ही इंडिया के अंदर हो जाती है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो तीनों को टैक्स देना ही होगा, ठीक है। फिर अब इन दो पॉइंट की बात करें, इन दो पॉइंटों को हम अलग से समझते हैं। ये दो पॉइंट जो है ना वो बिजनेस कंट्रोल से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया के अंदर क्या होती है कि एक इनकम ऐसी है जो रिसीव की इंडिया के अंदर नहीं होती, सुनिए देखिए एक इनकम ऐसी है जो रिसीव भी इंडिया के बाहर होती है और अक्रूड भी इंडिया के बाहर होती है, लेकिन बिजनेस का जो कंट्रोल है, ठीक है, बिजनेस का कंट्रोल जो है वो इंडिया के अंदर से होता है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसके अंदर सिर्फ दो जनों को टैक्स देना होता है, एक तो रेजिडेंट को और एक नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, ठीक है। एनआरआई को टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि ये जो बिजनेस का सिर्फ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है भाई, इंडिया के अंदर से हो रहा है। बाकी इनकम रिसीव्ड और अक्रूड तो दोनों ही कहाँ से हो रही है, बाहर से हो रही है। कंट्रोल इंडिया के अंदर से हो रहा है, इस वजह से इसको टैक्स देना पड़ रहा है। और एनआरआई तो टैक्स भी देगा भाई, क्योंकि वो तो खुद ही बाहर का, इनकम भी बाहर की और रिसीव भी बाहर हो रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। फिर बात करते हैं इसकी, इसमें भी क्या बात हो रही है कि भाई रिसीव भी बाहर हो रही है, अक्रूड भी बाहर हो रही है, लेकिन इस बार बिजनेस का कंट्रोल भी कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है। तो इस बार तो एनओआर भी नहीं देगा, ठीक है, और एनआरआई तो पहले से ही नहीं दे रहा था। तो ये जो कंडीशन है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर की अनटैक्स्ड इनकम होती है ना, ये तो हमेशा ही किसी को भी टैक्स नहीं देना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको याद करने का ये तरीका है आपके। तो ये था आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स, बहुत ही ईजी है, इसे हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बेसिकली तीन पॉइंट ऊपर वाले, दो पॉइंट ये वाले और ये एक पॉइंट, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये टेबल से आप याद रखोगे तो काफ़ी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर हम इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे ना, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनकम रिसीव्ड हो रही है, अक्रूड हो रही है इंडिया में, ठीक है, ये बातें हम ध्यान रखेंगे। और रिसीव्ड और अक्रूड दोनों इंडिया में, इंडिया से बाहर हो रही है, तो उसमें बिजनेस का कंट्रोल हम देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बहुत ईजी है, ये ईजिली हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कैलकुलेट करते हैं और ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स के क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।